बरमाना एसीसी सीमेंट कंपनी के खिलाफ पीटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा सांख्यान और स्थानीय नारी शक्ति के साथ अनिश्चितकाल धरने का तीसरा दिन था। वहीं बीटीएफ फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा संख्यान और स्थानीय नारी शक्ति बरमाना की विस्थापित एवं प्रभावित जनता की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकाल धरने ने उग्र रूप लेना शुरू कर दिया है। सीमा संख्यान ने बताया कि पिछले कल पूरा दिन आंधी तूफान और बारिश अपना कहर ढाती रही, लेकिन स्थानीय नारी शक्ति धरने पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। शाम को बहुत ज्यादा आंधी तूफान और बारिश थी, लेकिन बरमाना पुलिस के अलावा किसी प्रशासन या एसीसी कंपनी के प्रबंधक ने सुध नहीं ली। सीमा सांख्यान ने प्रशासन और एसीसी सीमेंट कंपनी के प्रबंधन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एसीसी सीमेंट कंपनी के गेट पर बैठकर धरना होगा। अगर इससे भी कोई नुकसान होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और एसीसी सीमेंट कंपनी के प्रबंधन की होगी। सीमा सांख्यान ने बताया कि हमारी पंचायत की और जिला बिलासपुर बीडीसी चेयरमैन सीता देवी हमारा हालचाल पूछने आई। उन्होंने हमें पूरा समर्थन दिया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पंचगाई, ढोलकोटी, बेरी और आसपास की पंचायतों के लोग भी यहां पर इस धरने पर आएंगे। आगे आगे ये अनिश्चितकाल धरना उग्र रूप लेने की तरफ जा रहा है। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और एसीसी सीमेंट कंपनी का प्रबंधन होगा। जी, मैं बताना चाहूंगी कि आज तीसरा दिन हमें धरने पे बैठे हुए हो गया और हमारी चार मांगे हैं जिसके लिए हम आज तीन दिनों से धरने पे बैठे हैं। पहली मांग हमारी है सस्ते सीमेंट के लिए, ये हमारे हिमाचल में भी सीमेंट सस्ता करा जाए अन्य राज्यों की तरह। और दूसरी है हमारी युवाओं को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि रोज़गार के मामले में अगर आपको बताएं तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ नालागढ़, बद्दी, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में जाती है सिर्फ 5,000 के लिए या 10,000 के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो बाहर के राज्यों की लड़कियाँ, लड़के सभी यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और पूछने पे बताया जाता है कि यहाँ हिमाचल के जो बच्चे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा टैलेंट वाले नहीं हैं या वो काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों पे हमेशा आप तोहमत लगा के अगर उनको नौकरी से दूर रख रहे हैं तो हम कहते हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। ये हमारा रोज़गार को लेकर है। तीसरा हमारा पोल्यूशन को लेकर है। यहाँ पे जितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है उससे जितनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है। अगर आप सिर्फ अपने घर पे सफाई करोगे और दूसरी जगह गंद डालोगे, क्या उससे बीमारियाँ चली जाएगी? आज कोरोना का समय है, मैं सरकार से भी पूछना चाहूँगी, वैसे तो आप कोरोना में बहुत चीज़ें देखते हो, सफाई की बात करते हो, लेकिन आज सबसे ज़्यादा गंदगी इस बरमाना पंचायत में है। चाहे वो पोल्यूशन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, चाहे आम जो कचरा है सड़कों पे वो हो, चाहे यहाँ के टॉयलेट हो, चाहे यहाँ के कोई भी चीज़ हो, लगता नहीं कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री बसती है। और उसका करोड़ों का CSR फंड है। CSR फंड यहाँ के जो हितेंद्र कपूर जी हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि शर्म करो, कागज़ों में बहुत भरते हो आप, लेकिन फील्ड में जिस दिन आप दिखा दोगे कि कहाँ हमारा CSR फंड लग रहा है, वो भी हम आपसे जवाब लेंगे। और चौथा है दीवारों को लेके। यहाँ पे जो दीवारें गई है वो तो कागजों में कहीं नहीं है कि दीवार देनी है, तो फिर आपने क्यों इतनी ऊंची ऊंची हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली दीवार देके रखी है? चाहे वो माइनिंग एरिया में हो, चाहे कॉलोनी के एरिया में है, आपने अपने दीवारें देके हमारे बीच में एक गैप बना रखा है। और एक और बात है, सफाई की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ जितने कूड़ेदान भी बने हैं ना, उनकी भी चाबी ACC एम्प्लॉई के पास होती है, वो ACC एम्प्लॉई उसमें कूड़ा डाल सकते हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ गंदगी है, धूल मिट्टी है। और एक जिस तरह से अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे, आज ये ACC वाले हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन ना हैरानी की बात यह है कि प्रशासन पता नहीं क्यों झुकता है इनके पास हर बार। अब जो लोग बोलते हैं फिर हम भी वही बोलेंगे, हड़ताल पे बैठते हैं लोग, फायदा लेते हैं प्रशासन। कोई फायदा इस बारी ना लेके थोड़ा सा लोगों के हित के बारे में सोचिए तो बेटर होगा। और एक और चीज़ कि अभी समय बढ़ता जा रहा है और उसी तरह से धरना भी अपना रूप बदलेगा, ये हमने चेता दिया। ऐसा मत सोचना औरतें बैठी है, अगर औरतें चौक पे बैठ भी सकती है तो औरतें लाठियां भी उठा सकती है, औरतें सिर भी फोड़ सकती है, वो अपनी मांगों को पूरा करने कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अब वक्त आ गया है, हमारे बच्चे जो नशे में जा रहे हैं हम उसको नशे में नहीं भेजेंगे, उनको भी रोज़गार चाहिए और ये हमारा हक है, इसको हम लेके रहेंगे जैसे मर्जी। अब पंचायत आज बिल्कुल ग्रामीणों के साथ है और जैसे सीमा संख्यान जी ने आपको ओवरऑल सारी समस्याएं बता दी, चाहे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट है और DAV फीस एक बहुत बड़ा मैटर है, उसके लिए भी वैसे बात करने के लिए तैयार हो गए थे पहले पर मैंने नहीं की।
और चाहे यहाँ की प्रदूषण व्यवस्था है और बेसिक फैसिलिटीज है। तो हम, मेरा सवाल यही है, जब पंचायत में भी ये दो बार मीटिंग करने के लिए आए रिगार्डिंग डेवलपमेंट जब बात हुई तो प्रधान, चलो लेट दैट इशू, बट मैंने यही बोला कि जिस तर्ज पर ACC कॉलोनी डेवलप है उसी तर्ज पर हमारा ब्रह्माना विकसित होना चाहिए। और जहाँ तक कंसर्न्ड कोरोना के रिगार्डिंग है तो ये सारे पहलू एक मैंने, मेरे सामने जो आया 15 साल पहले बाद मैंने यहाँ पे परमिशन ली अपने टूर्नामेंट क्रिकेट करवाने की, ताकि हम अपने बच्चों को नशे की गर्ज से दूर रखें। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे धरना स्टार्ट हुआ, उन्होंने बच्चों को बोला टूर्नामेंट के बाद कि यहाँ पे मत खेलना है। तो मैं जब अगले दिन गया कि सरकार के ऑर्डर आए हुए हैं भी, अब कोरोना चल गया है, चल पड़ा है, तो बच्चे नहीं खेलेंगे। मैंने कहा सर ऑर्डर बताइए आप, अब बैट्समैन को आगे करते हैं ना उनको टारगेट करने के लिए या लड़ाने के लिए हमसे। तो मैंने यही पूछा उनसे, भाई कहाँ पे ऑर्डर आए हुए हैं? अगर सरकार के ऑर्डर ये इस तरह से मानते हैं तो सरकार के प्रतिनिधि जो बम्बा ठाकुर पहले MLA था और पूरा जिला प्रशासन, उस टाइम जिलाधीश महोदय डॉक्टर अजय शर्मा जी थे, SDM साहब MK मेहता जी थे, राजेंद्र ठाकुर बैठा था, प्लांट हेड बैठा था DC ऑफिस में, एग्रीमेंट हुआ था कि 2013 के बाद यहाँ के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पूरा वो MOU हमारे पास है। अगर सरकार की इंटीमेशन आप इस तरह से मानते हो तो हमारे प्रति जो फैसिलिटी सरकार मुहैया करवाती है, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्योंकि प्लांट जब भी लगता है वहाँ की लोकलाइट्स को आधारभूत सुविधाओं से लेके एजुकेशन फैसिलिटी से ले से और एम्प्लॉयमेंट तक की फैसिलिटी दी जाती है, बट ये सारी वेरिएशन है, इसी के कारण ये ग्रामीण बैठे हुए हैं। और मैं पूरी पंचायत से भी आग्रह करता हूँ, पर चलो उनको टाइम नहीं है, कहीं बिजी हैं, तो लेट दैट टू गो, पर हम पूरे पंचायत और ग्रामीण इनके साथ हैं।